हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि कोई ऐसा बजट पीसी लेके आए, क्योंकि इस समय प्राइसिंग सबको ही पता है कैसी हो रखी है। तो 80% ऑफ द क्वेरीज इस समय ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा बजट में सबको बिल्ड चाहिए, नॉर्मल हाई लेवल गेमिंग भी कर लें 60 FPS। तो वही थोड़ा सा वर्कआउट करके दिस बिल्ड इज मोस्ट, ये आप सिर्फ गेमर्स के लिए है, कोई भी जो प्रोडक्टिविटी करने वाला, जैसे लाइक जिनका एडिटिंग है, कुछ रेंडरिंग का है, ये बिल्ड उनके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग यूज करने वाले एक 4-core CPU। सो ये टूवर्ड्स जो भी लोग गेमिंग पीसी अंडर 60,000 चाह रहे हैं विद अ डेडिकेटेड GPU, क्योंकि 5600G एंड 5700G ये दोनों जो APU बेस्ड बिल्ड्स हैं ये 60,000 के अंदर बन सकते हैं दोनों। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डेडिकेटेड GPU चाहिए और जिनको फ्यूचर में कार्ड्स नहीं ऐड करने, क्योंकि 5600G एंड 5700G समय वो बहुत लोग ले रहे हैं जिनको फ्यूचर में GPU ऐड करना है, जिनका बिना डिस्प्ले कार्ड के अभी काम हो जाए। बट दिस बिल्ड इज फॉर दोस्ट जो डेडिकेटेड GPU के साथ एक अपना बिल्ड चाह रहे हैं। इस बिल्ड की ओवरऑल कॉस्ट अराउंड 58,000 to 60,000 है, वेरी होता रहता है ऊपर नीचे डिपेंडिंग अपॉन कार्ड की क्या अवेलेबिलिटी है, क्या प्राइसिंग है, क्योंकि मेन चीज तो सिर्फ कार्ड का ही इशू है सबसे ज्यादा। बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स के प्राइस हाँ थोड़े से ऊपर है, बट इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज अभी किसी कॉम्पोनेंट में ऐसा नहीं आया। सो हाँ, ये बिल्ड अराउंड 58,000 to 60,000 का है फॉर गेमर्स, आई रिपीट फॉर गेमर्स ओनली। जो भी लोग हमें मैसेज करके अंडर 60,000 के आसपास के एक बिल्ड चाह रहे हैं, इस वीडियो को आप देख लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट पीसी रहेगा। ये 58,000 to 60,000 ओनली पीसी है, इसमें मॉनिटर इंक्लूडेड नहीं है इस प्राइस में। तो मैं आपको कॉम्पोनेंट्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोसेसर ऑफ दिस बिल्ड, इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक इंटेल i3 10105F, जो कि 10 जनरेशन का 4-core 8-thread CPU है। ये प्रोसेसर का रिटेल प्राइस है अबाउट 8,000 to 8,200 rupees, एंड इस सेगमेंट में ये एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है, बिकॉज इसका डायरेक्ट कंपटीशन वाज विद AMD Ryzen 3 3200G, जो कि AMD की तरफ से अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो पेयरिंग इट अप विद अ गुड GPU, हम लोग को इस प्रोसेसर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। हाँ, एडिटिंग के लिए ये थोड़ा सा अंडर पावर्ड होगा जस्ट बिकॉज इसमें कोर काउंट कम है, लेकिन हमारा जो इस बिल्ड का जो पर्पस है दैट इज जस्ट गेमिंग, सो उसमें हम लोग को ये कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। सो ये प्रोसेसर वुड बी द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस बिल्ड। सो नाउ मूविंग ऑन टू द मदरबोर्ड, हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं एक H510ME बाय ASUS, जो कि एक LGA 1200 सॉकेट बेस्ड बोर्ड है, जिसमें हम लोग का 11th Gen का भी सपोर्ट है विथ 10th Gen प्रोसेसर। तो हम लोग इसमें अगर अपग्रेड भी करना हो इन फ्यूचर, तो सिर्फ क्योंकि 250 rupees का डिफरेंस है इन H410 एंड 510, एंड उसमें हम लोग को ये अपग्रेडेबिलिटी बेनिफिट प्लस PCIe Gen 4 सपोर्ट भी मिल जाता है, सो दैट इज डेफिनेटली वर्थ ऑफ द प्राइस डिफरेंस बिटवीन H410 एंड H510। एंड पोर्ट्स में भी इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कोई भी एक्सपेंशन पोर्ट्स में, क्योंकि इसमें हम लोग को डिस्प्ले जो इनबिल्ड जो डिस्प्ले पोर्ट्स हैं बोर्ड के, दैट इज उसमें हम लोग को DP पोर्ट भी मिलता है, HDMI पोर्ट भी मिल जा रहा है, USB पोर्ट्स भी सफिशियंट इनफ हैं। सो एज पर द प्राइस दैट इज अराउंड 5800 rupees, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बोर्ड है फॉर दिस बिल्ड। तो प्रोसेसर, कीपिंग द प्रोसेसर एंड बोर्ड असाइड, नाउ कमिंग टू द रैम पार्ट, हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं क्रूशियल का बलिस्टिक्स 8GB DDR4 की दो स्टिक्स क्लॉक डेट 3200 MHz। 3200 का ज़रूरत नहीं था, बट हाँ वही है कि जब इसमें प्राइस डिफरेंस बहुत कम आ रहा है 2666 and 3200 में। सो रैम स्टिक्स भी फ्यूचर प्रूफ है कि कल को इफ आर क्लाइंट शिफ्ट टू AMD प्लेटफॉर्म, उसको रैम स्टिक्स कहीं अंडर पावर्ड ना लगे। सो यार, हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं क्रूशियल की दो स्टिक्स 8GB की टू। फॉर दी SSD हम लोग इसमें यूज़ करेंगे एक XPG की तरफ से आने वाली गैमिक्स S5 256GB, जिसकी रीड स्पीड है अबाउट 2100 MBPS एंड राइट स्पीड गोज अप टू 1500 MBPS, एंड इसमें 5 साल की वारंटी होती है। गुड NVMe एज पर द प्राइस पॉइंट, जिसका प्राइस है अबाउट 2800 rupees के आसपास, उस सेगमेंट में कि बहुत अच्छी NVMe है। फॉर दी स्टोरेज हम लोग इसमें यूज़ करें कि WD के तरफ से आने वाली 1 TB की एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कोई भी डेटा स्टोर करना हो दिस इज वेल सफिशियंट फॉर दिस पार्ट। PSU, सो पावर सप्लाई हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं एंटेक की तरफ से आने वाली है CSK 550W। इस बिल्ड के लिए 450W सफिशियंट था, कोई इशू नहीं, बट
क्योंकि 1650 एक ऐसा कार्ड है कि i3 के ऊपर कोई भी अपग्रेड करना कभी भी चाह सकता है। अभी तो क्योंकि प्राइजेस ऐसे नहीं है, 1650 ही इस सेगमेंट में आ रहा है, लेकिन कल को किसी क्लाइंट को अपग्रेड करना हो तो उनको पावर सप्लाई की प्रॉब्लम ना आए, तो हम लोग उसमें अभी से सेफ साइड इसलिए जा रहे हैं कि 550 वॉट पे हम लोग चले जाएं। दिस इज 80 प्लस ब्रॉन्ज बाय अनटेक, फ्लैट केबल्स पे आती है ये, 5 ईयर्स की वारंटी है इस पर, 3+2, बहुत अच्छा पावर सप्लाई है। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इसकी पावर सप्लाई की प्राइस है अबाउट 3200 रुपीज़ के आसपास, सो बहुत अच्छी है। नाउ कमिंग टू द कूलर, वैसे तो i3 10th जनरेशन को कोई एक्सटर्नल कूलर की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कीपिंग सम एस्थेटिक्स इन माइंड, हम लोग इसमें कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सा एयर कूलर यूज़ करने वाले हैं, जो कि ARGB है। हाँ बोर्ड में ARGB नहीं है, बट हाँ बहुत ही सिंपलिस्टिक कूलर है ये, डीप कूल का UL551, ये हम लोग इस बिल्ड में यूज़ कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू दी केस, हम लोग इसमें एक नेट में यूज़ कर रहे हैं, एक ये डीप कूल की तरफ से आने वाला मैट्रिक्स 43 फैन वेरिएंट। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक होता है द रेगुलर वन जिसमें हम लोग का कोई भी फैंस नहीं आते हैं साथ में, एंड इस वाले में हम लोग को 3 फैंस साथ में लग के आते हैं, 2 एट द फ्रंट एंड 1 एट द बैक। ये हम लोग इसमें टैम्पर्ड ग्लास मिलता है, ये एक्रेलिक पैनल नहीं है, ये टैम्पर्ड ग्लास है, दिस इज अ टैम्पर्ड वन। इसके इसकी प्राइस है अबाउट 3300 रुपीज़ के आसपास, तो बहुत अच्छा केस है, अच्छा एयरफ्लो ऑफर करता है। इसमें हम लोग को, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग को फ्रंट में डीप कूल की तरफ से आने वाले 2 RF120FS के फैंस मिल जाते हैं, और वही सेम फैन हम लोग के बैक में एग्जॉस्ट के लिए भी मिल रहा है। अच्छा केस है, डिसेंट स्पेस है फॉर द एयर फ्लो। बैक हम लोग इसका रिमूव करके एक बार देखते हैं कि वहां पर ये कैसा केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेस ऑफर कर रहा है। केबल्स रूट करने के लिए हम लोग को जगह मिल जा रही है बहुत अच्छी, हार्ड ड्राइव के लिए यहाँ पे स्पेसिंग दी है, PSU के लिए भी सफिशिएंट स्पेस दी हुई है, बिल्ड क्वालिटी में भी ये एक अच्छा केस है, फ्रंट से भी बहुत अच्छा पैटर्न दिया हुआ है इसमें, जब इसमें RGB के बाद बहुत ही कम RGB भी आगे से लगती है विथ मैश पैनल, तो इस सेगमेंट में ये बहुत अच्छा केस है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस बिल्ड, द GPU। सो इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक MSI की तरफ से आने वाला GeForce GTX 1650 DDR5 एडिशन। तो इस पर्टिकुलरली इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो 1650 में अराउंड 896 NVIDIA CUDA कोर्स होते हैं, इसकी बेस क्लॉक आई गेस 1485 मेगाहर्ट्ज़ की है, एंड बूस्ट क्लॉक 1665 मेगाहर्ट्ज़ तक जाती है। पावर कंजम्पशन भी इसका बहुत कम है, दैट इज जस्ट 75 वॉट्स। तो इस पर्टिकुलरली इस सेगमेंट के लिए i3 प्लस 1650 सुपर का प्राइसिंग इससे अराउंड 7,000 to 8,000 और ज़्यादा है, तो वो हम लोग का बजट एक्सीड कर जाता है फॉर दिस बिल्ड। तो हम लोग इसमें अभी के लिए यही यूज़ कर रहे हैं 1650 MSI की तरफ से आने वाला, डुअल फैन एडिशन है, नॉट दी सिंगल फैन वन, कोई ये लो प्रोफाइल कार्ड नहीं है, तो अच्छा है। आपको जिस हिसाब को हम लोग ये बिल्ड कर रहे हैं, लाइक टारगेटिंग सम गुड AAA टाइटल्स इन मिड टू हाई सेटिंग 60 FPS, तो उस सेगमेंट के लिए ये कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल इस बिल्ड की हम लोग बात करें तो अराउंड इसका टोटल कॉस्ट वही 58,000 to 60,000 आता है फॉर दिस बिल्ड विद एन i3 प्लस 1650। मैं समराइज कर दूं एक बार कंपोनेंट्स, i3 10th जनरेशन है इसमें हमारा, Asus का H510ME मदरबोर्ड है PCI Gen 4 सपोर्ट के साथ, RAM इसमें हम लोग यूज करने वाले क्रूशियल की बैलिस्टिक्स 8GB 2 स्टिक्स, एंड RAM SSD हमारी है XPG की S5 जो कि एक NVMe पैटर्न पे है, 2100 तक की रीड स्पीड हम लोग 2100 MBPS तक की रीड स्पीड ही ऑफर कर देता है। PSU हमारा Antec का CSK550 है, दैट इज 80 प्लस ब्रॉन्ज विथ 5 ईयर वारंटी। केस हमारा है डीप कूल का मैट्रिक्स 43FS। लास्ट इज आर GPU, दैट इज द MSI 1650 Ventus XS OC एडिशन। सो समराइजिंग दिस बिल्ड, किसी को भी
इस सेगमेंट में अगर ये बिल्ड चाहिए हो तो हमें कॉन्टैक्ट करें। सारे बिल्ड्स रेडी टू शिप हैं, ये ऑर्डर प्लेस होने के अराउंड 72 आवर्स के अंदर ये सारे बिल्ड्स शिप हो जाएंगे। 60,000 जिसका भी बजट है फॉर अ गेमिंग पीसी, ब्लाइंडली गो फॉर दिस मशीन। आपको भी नियर फ्यूचर में ऐसा कोई प्राइस ड्रॉप नहीं मिलने वाला है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छा बिल्ड है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं हम लोग अपनी एक दूसरी वीडियो में एक अगले बिल्ड के साथ। तो कोई भी क्वेरी हो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, इस बिल्ड से रिलेटेड, इस बिल्ड से अलग हटके किसी और बिल्ड के लिए। सो थैंक यू फॉर सेइंग यू, आप हमें कॉन्टैक्ट करें आपके किसी भी पीसी बिल्ड के लिए। 60,000 जिसका भी बजट है डेफिनेटली गो फॉर दिस मशीन। थैंक यू सो मच।